बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। हाँ फरहान बोल। तू जल्दी बाहर आ, मैं 5 मिनट में तेरे यहाँ पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ यार? चतुर का फोन था, रिमेम्बर हिम? कौन? साइलेंसर? हाँ वही वही, बोल रहा है कि रैंचो आ रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ, बोला कि अगर रैंचो से मिलना है तो ठीक 8 बजे कैंपस आ जाए टंकी पे। ओ शक्स। अरे तू जल्दी बाहर आना यार। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। सुनी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे जूते, अरे अपना दोस्त मिल गया। क्या यार, मैं आके बात करता हूँ भाई। अरे पैंट तो पहन के जाओ। अब तो होटल जाएंगे ना सर? अरे होटल जाएंगे काके, लेकिन इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ओके ओके सर। सॉक्स आना भूल गया यार। तू सॉक्स की बात कर रहा है? अबे नीचे देख, पैंट भी भूल गया है। ओए तेरी। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक भिन ब्याही बहन, सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर। माँ स्कूल से रिटायर्ड थी और ज्यादातर टायर्ड रहती थी। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे, पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी। और बहन 28 की हो गई है कमो, मारुति 800 मांगते हैं दहेज में। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए ना। हाँ जी थैंक यू। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? माँ पनीर लेंगे। हाँ। पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर तो नहीं, बस बस माँ तू रहने देना अभी। क्या ठीक है भाई, चुप हो जाती। अच्छा बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो और उसके बाद मौन व्रत रख लो। अरे घर की समस्या है तो बेटे को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? उसके दोस्तों को? ए राजू। बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की मां की आंसू पोंछते। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है। और रोटी दूं बेटा? नहीं नहीं नहीं, बस 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 हो गया, पेट भर गया। भिंडी 12 रुपए की, गोभी 10 के। कम से कम खाना ऑफर तो किया, तेरे भुक्कड़ बाप जैसा नहीं। हिटलर कुरेशी। हाँ हाँ, तेरी माँ तो मदर टेरेसा है, खुजली वाली रोटी खिला रही थी। माँ को लेकर मजाक नहीं करेगा। छोड़ यार, तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? भूख लगी यार, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। मंथ एंड है यार, पैसे क्या इसकी मदर टेरेसा देगी? ओए खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। वो देख चल। साले ने पूरा बलात्कार कर दिया, सामूहिक बलात्कार, यू नो, इन फ्रंट ऑफ सबके सामने। भगवान मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, 1000 अगरबत्तियां जलाऊंगा, बस एक काम कर दे, वायरस को इस दुनिया से उठा ले, नरक में जलाओ उसे, गरम तेल में पकोड़े बनाओ उसके। भगवान ये भगवान को सुपारी दे रहे क्या? ए साले तू चुप बैठ। साला हर साल तू वायरस के साथ सेंटर में बैठ के फोटो खिंचवाता है, हम लोग साले साइड में सड़ रहे होते हैं। इस साल तो लगता है कि साला हम लोग फोटोग्राफ के बाहर ही लुढ़क जाएंगे। ए पता है मैं फर्स्ट क्यों आता हूँ? क्योंकि मुझे मशीनों से प्यार है, इंजीनियरिंग मेरा पैशन है। पैशन तेरा पैशन पता है क्या है? अबे वो मेरा बैग है। ए चुप रह, तू क्या कर रहा है रंजो? अबे अरे तेरा पैशन ये 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 ये, ये, ये।
ये लेटर जाके पोस्ट कर। लेकिन है क्या वो? अरे 5 साल पहले उसने ये खत लिखा था अपने फेवरेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को आंद्रे इस्तवान। हाँ इस्तवान, उसके पास जाके हंगरी जाके काम सीखना चाहता था वो, लेकिन अपने बाप हिटलर कुरेशी के डर से कभी उसने लेटर पोस्ट ही नहीं किया। अरे इंजीनियरिंग छोड़ और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन, वो काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? साला इश्क करता है जानवरों से और शादी कर रहा है मशीनों से। बाबा रणछोड़दास, मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ दोनों इंजीनियरिंग है, फिर मैं क्यों लास्ट आता हूं? अब बोल। क्योंकि तू डरपोक है, डरपोक। ये देख इसका हाथ देख, उंगलियां कम है अंगूठियां ज्यादा है। एक एग्जाम के लिए, एक बहन की शादी के लिए, एक जॉब के लिए। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? और फोकस कहाँ करेगा आज में? अजीब दोस्त मिले हैं यार, एक डर डर के जीता है, एक साला मर मर के। ए, पर तू तो साला दोनों करता है, डरता भी है और मरता भी है। ए, मैं डरता नहीं। ए, ए, सुना, ए ना पिया पे मरता है लेकिन बोलने को डरता है। चल चल ए हट हट। फ्री एडवाइस देना इजी है काके, करना मुश्किल है। हिम्मत तो जाके पिया को बोल। बोल क्या? तुम लोग कहाँ का कहाँ कनेक्शन ज्वाइन कर रहे हो? फुल कनेक्शन है बाबा। नहीं बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, अगर तू पिया को अपनी दिल की बात जाके बोलेगा ना, तो मैं भी जाके अब्बा से बोलूंगा कि मुझे फोटोग्राफर बनना है और इंजीनियर नहीं बनना। मैं भी अपनी अंगूठियां निकाल कर इंटरव्यू देने जाऊंगा। ले बोल बोल, है क्या हिम्मत? बाबा की बोलती बंद बोलेगा क्या? चल चल। किधर? कहाँ? चल। So you all have already learned about the simple pendulum. Now let's get down to the advanced study about compound pendulum. It's an irregular object oscillating about its own axis. Let me demonstrate to you. What's this? Pencil. What's inside? Lead. Good. Lead is the axis to this pencil. Even you can be a compound pendulum if you oscillate about. Raju, Rastogi kahan hai? Present, sir. Hi, everybody is here. Good morning, sir. कल रात तुम कहाँ थे? सर पढ़ाई कर रहा था सर, फुल नाइट पढ़ाई कर रहा था सर। अच्छा really? हाँ सर, दो रात से सोया नहीं इसलिए ऐसा दिख रहा है सर। क्या बात है? क्या पढ़ाई कर रहे थे? इंडक्शन मोटर सर, इंडक्शन मोटर फुल पढ़ लिया सर उसने, इंडक्शन मोटर फुल। इन दैट केस मिस्टर राजू रस्तोगी, यस सर, कैन यू टेल अस हाउ एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स? सर राम, मिस्टर रस्तोगी, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस। क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट सर? वो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके थर्ड फ्लोर से कूद गया था सर। Why? क्योंकि मुझे रस्टिकेट कर दिया गया था। क्यों? सर मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर हैं, कोई खास वजह? डर सर, बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था,
माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा। मैं डरने लगा, यहाँ आया तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं आओगे तो कोई जानेगा भी नहीं। मैं और डरने लगा, फियर इज़ नॉट गुड फॉर ग्रेट सर, और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा। पूजा क्या, भगवान से भीख मांगने लगा, ये दे दो वो दे दो। 16 हड्डियाँ टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आई। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते हैं ना सर, तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूँगा सर। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की ज़रूरत है, आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है सर, बड़ी मुश्किल से आया है एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। आई एम सॉरी, डोंट माइंड सर। रुको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी मैं, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें।